यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। भौगोलिक स्थिति तो यहाँ की बहुत बुरी प्रकार की है। यहाँ पे ना तो कभी क्षेत्र के कोई जनप्रतिनिधि इस पर ध्यान देते हैं, ना तो कोई प्रशासनिक कर्मचारी या कि आला अधिकारी इस पर ध्यान देते हैं। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण विषय है पानी की समस्या। चार गांवों की जो आबादी है वो कितना होगी? लगभग 7 से 8 हज़ार है। ज़मीनी तौर पे बहुत बुरी स्थिति है, मतलब हर व्यक्ति को पानी के लिए यहीं पर आना पड़ता है और अगर यहाँ व्यक्ति ना आए तो बड़ा मुश्किल है कि पानी का उचित साधन कहीं पे है। रामनगर भुपला गांव गए हैं, वो हमने ट्रेस करा कि कुछ दूरी से, 3 किलोमीटर तो नहीं है लेकिन करीब 1 किलोमीटर से लगभग की दूरी से कुछ लोग पानी ला रहे थे, और वहाँ से हमने जब जैसे ही ट्रेस करा तो वहाँ देखा गया कि 2 हैंडपम्प तुरंत अभी खोदे गए हैं जो फेल हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर पानी काफ़ी पहाड़ी क्षेत्र डीप में होता है तो उसमें पानी नहीं मिल पाया है। लेकिन तुरंत कलेक्टर साहब के निर्देश अनुसार वहाँ पर हम लोगों ने 2 पानी की टंकियाँ रखवा दी गई हैं, 5 लीटर की, 2 लीटर की, और उसमें बहुत सारे नल लगवाए गए हैं जिसमें बराबर सुबह और शाम के साथ साथ जब जब भी पानी कमी होगी टैंकर के द्वारा जब तक बारिश नहीं आती मानसून तब तक पानी की सप्लाई की जाएगी उसमें।